एक मिनट सर। सर नाम बताए अपना। सर मेरा नाम है अकरम अली अंसारी कहाँ से बोल रहे हैं? सर, इंडिया से कलकत्ता, मालूम है सर? हाँ हमें मालूम है कलकत्ता इंडिया में ही है भाई। सर। अच्छा बताएं क्या क्या है सवाल। सर मेरा सवाल जो है, अभी मुंबई में, चंडीगढ़ में एक लड़की बोल रहे है, ठीक है, वो बोल रहा है कनाडा का वीजा मिलेगा, ठीक है, तो उसका पैसे दिया है कुछ 7,500 रुपये, तो उसके बाद वो अभी बुला रहा है। 7,000 रुपए दे दिए आपने वीजा के लिए और अभी बुला रहा है? क्या करने बुला रहा है? वो बोल रहे अभी उस पासपोर्ट चाहिए और ऑफर लेटर आया है, तो ऑफर लेटर सिग्नेचर कराने के लिए बुला रहा है और भी पैसे लेगा, इस यही बोल रहा था। जी। तो आप बताएं हमसे क्या चाहते हैं फिर आप? सर आपको थोड़ी मदद चाहिए सर। मेरी मदद कुछ हो नहीं सकती बॉस, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे लोगों को कुछ काउंसल किया है, हमने लोगों को बताया कि ऐसा करें वैसा करें, तो वो ट्रैवल एजेंटों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके बारे में हमने कुछ कह दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो उन्होंने उनको उन्होंने मेरे से कहा कि आप हमारा बिजनेस ख़राब कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर भी उनका काम चल ही रहा हुआ है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा बॉस। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपना रिसर्च अपने आप ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। सर यही तो बात है, आप नहीं मदद करेंगे तो सर कैसे कैसे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा हमारी सर? मदद, हमारी मदद से क्या होगा? आपको जो कैनेडियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर कांटेक्ट कर लें, उनसे पूछ लें कि जो जॉब सही है कि नहीं है, जो भी जॉब मिल रही है उनसे पता कर लें आप। ठीक है सर, कोई मुश्किल नहीं है, उसका मतलब थोड़ी कॉन्टैक्ट नंबर कोई कुछ दे सकते हैं सर? वो तो गूगल बता देगा भाई साहब, आप गूगल पे जाके टाइप कर लें कैनेडियन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, आपको उनके वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फैक्स, फ़ोन सब कुछ आ जाएगा। तो आप उनको, अगर आपको फ़ोन नहीं मिलता तो उनको ईमेल कर दें, और अगर ईमेल नहीं सर मिलता तो फैक्स कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर वगैरह मिलता है तो उनको कैनेडियन हाई कमीशन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो आपको विद इन टाइम, आई एम श्योर देल समबडी विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू, कोई मेरी मुश्किल नहीं है सर। मेरी मेरी प्रॉब्लम मेरी एक मेरी और, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के बारे में, कोई कंसल्टेंट है या ट्रैवल एजेंट है, लॉयर है, कुछ है, उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली, क्योंकि फिर उनको अगर मेरी बात पसंद नहीं आएंगी तो फिर वो YouTube को कह देते हैं कि भाई हमको इन्होंने ये कहा, हमको क्रिटिसाइज़ किया या फलाना कहा। इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करना नहीं चाहता हूँ, तो वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है ना डिस्कशन करने की, उससे बाहर है। मैं अपने बारे में तो बात कर सकता हूँ, लेकिन किसी XYZ कंसल्टेंट के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जी सर, जी सर, आपका हर वीडियो मैं देखता हूँ और मैं कमेंट भी किया हूँ, बहुत दिन से मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। जी आज बात हो गई। जी सर, जी सर, आज बात हो गया। जी। और और एक बताएं बात सर, और और एक सर, और एक बात पूछना चाहता हूँ सर, मतलब अभी कनाडा में वर्क वीजा हाउस ड्राइवर का मिल रहा है सर कंपनी का सर? दोबारा बोले क्या करे, हाउस क्या बोला आपने? हाउस नहीं सर, वो कंपनी ड्राइवर के लिए जॉब मिलता है अभी सर? कंपनी ड्राइवर के लिए यहाँ तो मेरे को अभी तक कोई देखा नहीं, मैंने आज तक जो कोई यहाँ पर नौकरी कर रहा हो जिसको कंपनी से कार मिलती हो और कंपनी का ड्राइवर मिलता हो, आज तक तो मैंने यहाँ पर कोई देखा नहीं भाई।
मेरे को तो बहुत साल हो गए। ये तो सब इंडिया में कलकत्ता में हो सकता है कि कंपनी की कार मिलेगी और ड्राइवर चलाएगा। यहाँ तो मैंने बड़े बड़े अफसरों को, यहाँ तो बड़े बड़े जो 30 मार्क खाए यहाँ पर जो है उनको पास कंपनी की कार देखी नहीं आज तक मैंने। जी सर, वही बोल रहा है जो चंडीगढ़ में जो मैडम है वही बोल रहा था। क्या बात है, चंडीगढ़ में जो मैडम बैठी हैं वो आपको कंपनी की कार की ड्राइवर की जॉब दिला रही हैं कनाडा में, और आप ड्राइवर बन के जाएंगे तो उनको मैडम को कहना कि आप खुद ही आ जाओ यहाँ पर जॉब लेकर, यार आपको कंपनी की कार वैसी मिल जाएगी। हाँ सर, वो उसको मतलब वो वीडियो कॉल में बात करता है मेरे साथ, तो सब बाहर वीडियो स्कैन रिकॉर्ड करके रखा है, और जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा था दो स्क्रीनशॉट वो देखा है सर थोड़ी। सर जी मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है स्क्रीन शॉट देखने का, पर मैंने आपको ये बताया ना कि सबसे पहली बात मैं किसी भी कंसल्टेंट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ फिर कंसल्टेंट को भी शायद चुप जाएगा कि उनका हमने बिजनेस ख़राब कर दिया है, उनके बारे में कुछ कह दिया। जब वो मैडम मेरे सामने आएंगी और तब हम हाँ उनसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन बगैर वो पर्सनली उसके फेस टू फेस के बगैर मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। दूसरी बात, मैंने आपको एडवाइस दे दी है कि अगर आपको जॉब ऑफर के बारे में कोई जॉब ऑफर आपको मिलती है कनाडा के मुतलक, कोई जॉब मिलती है आपको, तो उसको आप कैनेडियन हाई कमीशन का बहुत बड़ा दफ्तर बना हुआ है दिल्ली में, उनका वेबसाइट भी दिया हुआ है, फैक्स नंबर ईमेल सब दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो आप उनको अच्छा डायरेक्टली उनको उनसे रब्ता करें और उनको आप पूछ लें कि भाई ये जॉब ऑफर से हमें वर्क वीजा अप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं करते। आई एम श्योर कि दे विल गेट बैक टू यू, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ वापस आपको जवाब देंगे। पर ठीक है तीसरी सर। बात जो मैंने आपको बताई है कि मैंने बड़े बड़े यहाँ पर कंपनीज के लोग भी देखे हैं, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन भी देखे, पर किसी के पास कंपनी की कार हो और ड्राइवर उसमें इंडिया का चला के ले जा रहा हो आ जा रहा हो, ये सब कलकत्ता में हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। जी सर, जी सर, आपको वीडियो हर वीडियो सुनता हूँ, तो आप तो पहले बोल चुके हैं, अभी अभी तो इसमें तो नहीं हो सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास था, मगर अभी वो बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा था चलो थोड़ी चलो ठीक है, पैसे। मैंने आपको बहुत कह चाहते ना चाहते जो भी इशारा आपको दे दिया, आप खुद समझदार हो भाई। अब ठीक ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक है जी, थैंक यू सर, यू, थैंक यू, टेक केयर, थैंक बाय। यू सर, ओके, थैंक यू।